सवाल इस बात का है कमल जी, कर्जा माफ तो 2 लाख तक का करना था, अब आप आ गए इस चक्कर में, हुआ नहीं। आपको डर नहीं लगता कि लोग 2023 में इसलिए अमलनाथ और कांग्रेस को वापस लाएंगे कि जो बचा हुआ कर्जा माफ होना है आप ब्याज में निपटा दे रहे हो? सुनो सुनो, मूलधन कौन चुका है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसके लिए कांग्रेस वापस तो नहीं? सुनिए आप, सुनिए। जब उपचुनाव हुआ मैं कृषि मंत्री बन गया था, मेरे से पत्रकारों ने पूछा कि आप हां या ना में जवाब दो कि क्या आप कर्जा माफ करेंगे। हमने कहा हमने कहीं कर्जा माफ करने का वादा किया था? क्या वचन किसने दिया था? कांग्रेस ने। कितने दिन का दिया था? 10 दिन का। और 15 महीने रहे ना तो मुख्यमंत्री बदला, क्यों नहीं बदला? राहुल गांधी ने थूक के चाटा तुमने। और इसलिए जनता, हमने जनता में भी कहा लोकसभा उपचुनाव में, सुनिए विधानसभा उपचुनाव में, कि हम कर्जा माफ नहीं करेंगे, इनसे पूछो, इनने धोखा दिया, हमने नहीं दिया। और इसलिए जनता ने हमको जिताया 65-65 हजार से। और सुन लो कमलनाथ जी, जब मुख्यमंत्री थे तो चना सिर्फ छिंदवाड़ा में 1 हेक्टर में 19 क्विंटल खरीदा, और बैतूल में 13, हरदा में 15, और खरगोन में कृषि मंत्री सचिन यादव उनके यहां 22 क्विंटल हेक्टर होता लेकिन खरीदा 15, आगरमालवा में होता 23 खरीदा 15। कमल पटेल और शिवराज सिंह जी जब आए हमने 20-20 क्विंटल पूरा प्रदेश का किया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। सुनो, और 13 क्विंटल खरीदते थे 1 हेक्टर में सरसों, हमने 20-20 किया, और इसलिए हम 65-65 हजार से जीते। और तुमने धोखा दिया तो जनता ने धक्का